ट्राई कर रहे हैं अभी के लिए। उन्होंने दो प्लेयर्स को पहले डाउन किया था, लेकिन लेकिन क्या और को कर पाते, स्लेयर के जस्ट साइड से वो गोली गई होगी अभी के लिए। लेकिन आगे इनको भी सर्कल में मूव करना, 122 मीटर है डिस्टेंस इसके अंदर की सर्कल में जाना है। इसके फोन लाइन जस्ट वहां पर दिखा, इसके फोन लाइन दिक्कत हो सकती है, आईएनडी पूरी उनके ऊपर जा किया है, क्रेटोस आगे से जा रहे हैं, लेकिन एसके 49 के लिए गेम यहां पर खत्म हो जाएगा एंड हाइप एलिमिनेट हो जाएगी 8वीं पोजीशन पर 6 किल्स के साथ। अब आप देख सकते हो मिस्टर स्प्रे आगे मूव करना चाहते हैं, उनको देखना पड़ेगा सर्कल में रोटेशन कितनी जल्दी वो दे सकते हैं। मॉर्टल डाउन पड़े हैं वहां पर, सांगवान रुक चुके हैं, दिक्कत हो सकती है इनके लिए। अमन की हेल्प काफी ज्यादा, हमें फर्स्ट एड लगानी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर रिगल टॉस भी डाउन हो सकते हैं। इसके बाद अमन अकेली होप बचते हैं यहाँ पर सोल के लिए इस गेम में, अदरवाइज टीएसएम बहुत प्यारे तरीके से गेम निकाल सकते हैं। रिगल टॉस को वहां पर फिनिश कहा से रोटेशन दे रहे हैं एंड स्नैक्स आप देख सकते हो घर के अंदर है, किसी भी तरीके से फाइट हो सकती है। टीएसएम जी गॉड ऊपर की साइड, स्नैक्स नीचे की साइड, किसके हाथ में किला आएगा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है। अमन जस्ट बेली सर्वाइव करते हुए इस फाइट में, बट उनको पता है उनके ऑपोनेंट्स कहां पर है। एक किसी भी साइड से गेम को पलट सकता है, अमन एक डायरेक्शन में देख रहे हैं क्या वो यहाँ पर प्लेस को फिनिश कर पाएंगे। यस वो फिनिश कर देते हैं, लेकिन वो जाएंगे ग्रेनेड से और सी गॉड के हाथ में प्यारा सा किल। एग्जैक्टली यहाँ पे टीम 16 मिनट होती है, यहाँ पे छठे अंक पर उनके पास 2 किल थे, बट आईएनडी मेरे ख्याल से काफी बड़ा सेटबैक ले चुकी है, गाड़ी से रोटेट करना चाहते थे बट गाड़ी को पूरा बस डाउन कर दिया। यहाँ पे अकेले बच्चे उनके सामने वाले वॉच टावर पे टीम 15 जैन मारा है और उस कंपाउंड में छुपी है इस वक्त सर्वर की सबसे लीथल टीम, टीम टीएसएम एंटिटी, क्लच गॉड जी गॉड नियो बचे, जोनाथन थोड़ा सा पीछे, इन्होंने अभी भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है एंड दिस इज अ फाइनेस्ट एंड वाइजेस्ट जो स्ट्रैटेजी है। अगर आप एक ही घर में रहते हैं और अगर एक बढ़िया सा नेट आ जाए देन सब फेल दिया लो, साथ जो टीम आईएनडी है वो एलिमिनेट होती है 5वें अंक पे और 5 किल्स भी है, ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी है। अब ये देखिए चिकन डिनर मिस हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, आईएनडी पीपल विल बी सेलिब्रेटिंग राइट नाउ बिकॉज उनकी स्टार्ट यही होती है। जोनाथन एक और नॉक दिया, यहाँ पर एचबी को नॉकआउट किया और स्ट्राइकर ने किल चुरा लिया खत्म करके उनको। सो बनाया खाना किसी और ने, खाया किसी और ने, लेकिन ये उनको और ज्यादा एंग्री कर सकता है अगर कुछ बोलना चाहें, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पर किल चोरी हुआ है तो ऑब्वियसली और फाइट्स लेने के लिए। मिस्टर स्प्रे के लिए, मिस्टर स्प्रे को ये देखना पड़ेगा कब उनके किल्स यहाँ पर चोरी नहीं हो सकते, बिकॉज यहाँ पर जिन्होंने भी किल्स चोरी किए अब तो बस खत्म करने की बारी आ चुकी है। जी गॉड ने काम कर दिया, रोज को सर्कल के अंदर जाना है, थोड़ा सा उन सर्कल के अंदर आने के लिए उनको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, उनके पास फर्स्ट एड नहीं बचती है। क्या वो आगे आ पाएंगे? नहीं, प्ले जोन उनको लेकर जाएगा, वीएसजी क्रॉलर्स का खात्मा होता है 14 पोजीशन पर। 3 टीम देवी और सचिनो, टीएसएम एंटिटी, रेवन और जान मारा, क्या यहाँ पर नेपाल की टीम आएगी साउथ एशिया में या फिर इंडियन टीम्स अपना डोमिनेशन दिखाएंगी, वो एक बहुत बड़ा सवाल इस पर्टिकुलर टाइम हो सकता है। लेकिन ये 3 टीम्स 8 लोग एक चिकन डिनर के लिए इस टाइम फाइट ले रहे हैं। एक एयर ड्रॉप भी इनके पास आ चुका है, लेकिन एयर ड्रॉप से इस समय सबसे महत्वपूर्ण होगा इनके लिए उठाना लेवल 3 हेलमेट और यार ये कि वो आपको बचा सकते हैं अगर आपकी स्ट्रैटेजीज आपके काम में नहीं आ पा रही उस पर्टिकुलर। लेकिन टीएसएम एंटिटी बहुत प्यारा इनका इस टाइम कंपोजर है, 2 प्लेयर्स एक घर में, 2 प्लेयर्स दूसरे घर में, मेरे को लगता है चिकन डिनर शायद और शायद इनका हो सकता है। टीपीपी की गेम पे थोड़ा सा भी किस्मत मेहरबान रहा और आपने उस किस्मत का फायदा उठाया देन चिकन डिनर आपसे कोई भी नहीं छीन सकता है। सर्कल उनके फेवर में कट रहा है, वो किल जो किल डिपार्टमेंट है उसमें बिल्कुल भी हारने का नाम नहीं ले रहे, तो चिकन डिनर भी मेरे हिसाब से हाई चांसेस है कि इस वक्त टीएसएम के चांसेस बहुत ज्यादा है। बिकॉज एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल 4 प्लेयर जिंदा है, यहाँ पर अकेले बचे थे टीम टेमिलास के, उनको इंस्टेंटली क्लोज क्लच गॉड ने यूजी से शिकार बनाया, 3rd अंक पर निकलते हैं यहाँ पर 3rd पोजीशन पे टीम टेमिलास, बट पॉइंट अपनी टीम के काफी अच्छे इकट्ठे करके जा चुके हैं। अब जो असली जंग है इट्स बिटवीन TSM वर्सेस टीम जानमारा, एक नेपाली टीम वर्सेस इंडियन प्राइड, देखते हैं क्या होगा। बिकॉज अभी तक ट्रस्ट में मैं यही सोच रहा था कि भाई 40 गोलियां इस ग्रोजा की, पूरा गेम या तो बदल सकती है या बिगाड़ सकती है। अब सोनिम को देखना, बहुत ही बुरी सिचुएशन है जिसके अंदर कोई भी प्लेयर अपने आप को नहीं इमेजिन करे तो बेटर रहेगा। इट्स अ 1v4 सिचुएशन, सामने 4 शैतान है जो बस अपने पहले चिकन डिनर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और रुकने का नाम नहीं लेंगे, वो किसी दिन भी रश करेंगे। उन्होंने रश इन कर लिया और आखिरी में जन मारा पे करेंगे और दे वांटेड टू डू फैन, दिस इज नॉट अ ग्रेट थिंग टू डू बट यस दे हैव डन इट, सो चिल, ये दे आर सो हैप्पी, दस सी द मोमेंट ऑफ एंजॉय जेड।